नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको फ्लोरोसेंट लैंप या ट्यूबलेट कैसे वर्क करती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोरोसेंट ट्यूब या ट्यूबलेट जिसको आप बोलते हो, ये होती क्या है। ये ट्यूबलेट आपकी कुछ लंबी मतलब लीनियर होगी, किसी केस में आपकी कॉम्पैक्ट भी होती है और किसी केस में आपके HID की फॉर्म में भी होती है। तो यहाँ पर जनरली आपने या तो कॉम्पैक्ट देख रखी होगी या फिर आपने लीनियर देख होगी। तो यहाँ पर दोनों का जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है वही है, एक ग्लास ट्यूब ली जाती है, लीनियर के केस में वो सीधी रहती है, जबकि यहाँ पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब के केस में वो थोड़ी सी यहाँ पर घुमा दी जाती है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली उसके अंदर इनसाइड फ्लोरोसेंट की कोटिंग की जाती है, अंदर मर्करी के 2-4 टुकड़े डाल दिए जाते हैं, आर्गन गैस के साथ उसको सील अप किया जाता है और साइड में 2 फिलामेंट लगा देते हैं दोनों साइड को। तो ये बन गई आपकी टोटल फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब भी। तो अब इस ट्यूब को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए। ये ट्यूब आपकी 2 स्टेप में यहाँ पर जलती है। तो यहाँ पर होता है क्या, आपने जब इलेक्ट्रिसिटी इस ट्यूब के अक्रॉस लगाई तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये दोनों साइड में जो फिलामेंट लग रखे हैं इसको गर्म करना पड़ता है, मतलब इसको जलाना पड़ता है। तो इससे होता है क्या, जो अंदर पड़ी हुई आपकी गैस है वो आपकी गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी देके उन जो 2 टंगस्टन के आपने फिलामेंट लगा रखे हैं साइड में उसको यहाँ पर ग्लो कराना पड़ता है। तो पहला तो रिक्वायरमेंट आपकी होगी, और दूसरी यहाँ पर हाई वोल्टेज, जो कि यहाँ पर इनिशियली जो फ्लोरोसेंट ट्यूब के आउटर साइड को जो टंगस्टन फिलामेंट लगा रखे हैं वहाँ से एक साइड से दूसरे साइड पर डिस्चार्ज कर दे, जैसे कि बिजली गरज है ना, तो इसके लिए आपको चाहिए होती है इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर हैवी वोल्टेज। तो यहाँ पर इसके बिना ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है ये आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लास्ट का। आइए अब ब्लास्ट की वर्किंग देख लेते हैं। ब्लास्ट यहाँ पर क्या करता है, इनिशियली अगर आपने पुरानी ट्यूबलाइट देख रखी होगी जिसमें आपको मैग्नेटिक ब्लास्ट मिल जाते हैं, तो मैग्नेटिक ब्लास्ट यहाँ पर क्या करता है, आपके 3 काम करते हैं। इनिशियली टंगस्टन जो फिलामेंट लग रहे हैं साइड में उसको जलाता भी है, ताकि बीच में जो गैस पर रखी है थोड़ी सी गर्म हो जाए, ताकि इनिशियल डिस्चार्ज के लायक टेम्परेचर पहुंच जाए। और दूसरा यहाँ पर ये आपका एक हाई EMF वोल्टेज को भी जनरेट करता है, ताकि जो साइड में टंगस्टन लग रखे हैं उसके अक्रॉस हैवी पोटेंशियल पहुंचे और इनिशियली एक डिस्चार्ज मिल जाए। बस मर्करी को यहाँ पर वेपराइज करने के लिए बीच में हमें चाहिए डिस्चार्ज, उसके बाद आपका जो ट्यूबलाइट है वो वर्क करनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा यहाँ पर जो करता है, जो आपको पता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो गिरता चला जाएगा, तो आपका ब्लास्ट यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर रेजिस्टेंस को भी लिमिट करेगा। तो ऑब्वियसली ब्लास्ट आपके 3 काम कर रहा है। तो यहाँ पर ब्लास्ट के इस काम को सपोर्ट करने के लिए हम लोग लगाते हैं स्टार्टर। मैग्नेटिक ब्लास्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टार्टर आपका एक तरह से स्विच है, नियोन स्विच है, नियोन का बल्ब है, उसके अक्रॉस एक स्विच लगा रखा है। नियोन डिस्चार्ज करेगी, गर्म होगा तो स्विच आपका ऑफ हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठंडा होगा कनेक्ट हो जाएगा, फिर नियोन बल्ब ऑन होगा कनेक्ट हो जाएगा, गर्म हुआ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस स्टेप से ये स्विच वर्क करता है। तो यहाँ पर ये स्विच आपके इस ट्यूबलाइट में जो फिलामेंट है उसके अक्रॉस लगा दिया जाता है, जबकि यहाँ पर दूसरी साइड जो फिलामेंट की उसको यहाँ पर ब्लास्ट के अक्रॉस AC मेन के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर होता है क्या, जब आप AC मेन के थ्रू ब्लास्ट के थ्रू उस ट्यूबलाइट में करंट फ्लो करते हो, तो आपका जो करंट का पाथ है वो आपका कहता है फिलामेंट से पास होते हुए स्टार्टर पर पहुँचता है। दूसरा वाला पाथ वो आपका ब्लास्ट के थ्रू यहाँ पर फिलामेंट पर पहुँचा और दूसरी साइड को स्टार्टर पर पहुँचता है। तो इनिशियली स्टार्टर आपका जब तक कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो टंगस्टन के जो फिलामेंट वो गर्म होने शुरू हो जाएंगे और थोड़े टाइम के बाद वो आपका बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बंद होने से 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो थोड़ी देर के लिए गर्म होगा, उसका तो बंद हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर जो आपका ब्लास्ट है उसके अंदर एक रिवर्स EMF जनरेट करेगा, क्योंकि आपको पता है इंडक्टेंस के केस में आपका जो वोल्टेज होती है वो प्रोपोर्शनल होती है LdIdt। तो यहाँ पर स्टार्टर का ऑन ऑफ होना यहाँ पर एक बैक EMF को जनरेट करता है, जो कि यहाँ पर स्टोर हो जाता है। वो जो स्टोरेज मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर बहुत बड़ी एक वोल्टेज को डेवलप कर देती है। ट्यूबलाइट के डायरेक्ट टंगस्टन है वो ब्लास्ट के अक्रॉस सीरीज में लग रखे हैं, तो यहाँ पर एक हैवी वोल्टेज ट्यूबलाइट के अक्रॉस लग जाती है और इस वजह से जो बीच की गैस है वो डिस्चार्ज हो जाती है और यहाँ पर एक कंडक्शन पाथ मिल जाता है, और जो बीच में मर्करी पर रखी है यहाँ पर एवेपोरेट हो जाती है और यहाँ पर आयंस के फॉर्म में पहुँच जाती है। तो यहाँ पर अब स्टार्टर के ऑन होने का कोई मतलब नहीं, मतलब स्टार्टर आपका यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है और जो कंडक्शन पाथ है वो आपका डायरेक्ट इस फिलामेंट से इस फिलामेंट की साइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली ब्लास्ट के थ्रू ट्यूबलाइट के अक्रॉस लगी हुई है और यहाँ पर मर्करी क्योंकि बीच में पड़ा हुआ है वो आपके हाईली कंडक्टिंग पाथ बनाता है, तो यहाँ पर आपका करंट फिलामेंट टू फिलामेंट ट्रैवल करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर मर्करी इस करंट से एनर्जी लेती है, एक्साइट होती है, हायर स्टेट में जाती है,
और यहाँ पर जब वापस वो ग्राउंड स्टेट में आती है तो यहाँ पर वो लाइट को प्रोड्यूस करती है। जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो आपकी होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, मतलब कि जो आपकी आंखों से दिखती नहीं। तो यहाँ पर जो आपको मैंने पहले बताया था ट्यूबलाइट की जो अंदर की सर्फेस होती है उसको वाइट फ्लोरोसेंट से यहाँ पर कोट किया जाता है। तो ये इसलिए कोट किया जाता है कि वो इस यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करे और उसको कन्वर्ट कर दें। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, हाई स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में डायरेक्टली नहीं आएगा, बीच में बहुत सारे लेवल्स हैं तो वहाँ से गिरता गिरता, और जब वो सबसे नीचे वाले स्टेट में पहुँचेगा जब वहाँ से वो जंप करेगा ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पर जो लाइट निकलेगी वो आपकी विजिबल रीजन में होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से ट्यूब लाइट या फ्लोरोसेंट लैंप अपनी लाइट इजेक्ट करती है। तो यहाँ पर ब्लास्ट आगे भी आपका काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आपका मर्करी एक्साइट होती चली जा रही, करंट बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका अल्टीमेटली ट्यूबलाइट का जो दो ऑपोजिट एंड है इनके बीच में जो पहले इनिशियली बिगर ऑन हुए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस घट के आपका जीरो को अप्रोच करने लग जाएगा। तो ऐसे केस में अगर बीच में ब्लास्ट ना हो, जो कि यहाँ पर आपका एक तरह से रिएक्टेंस पाथ दे रही है, और यहाँ पर इसी इंडक्टेंस या ब्लास्ट स्ट्रोक की वजह से आपका करंट ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर ब्लास्ट के आपके तीन वर्क हो गए। आइए अब देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट यहाँ पर क्या वर्क करता है। आपने दो टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट देख रखी होगी, हालांकि तीन टाइप की आती बट दो टाइप आपने जनरली देख रखी होगी। एक जिसमें आप ऑन करते ट्यूबलाइट आपकी ऑन हो जाएगी, दूसरा ऑन करते थोड़ा टाइम के बाद आपकी ट्यूबलाइट ऑन होगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है जो कि यहाँ पर ऑन करते ही ट्यूबलाइट आपकी ऑन हो जा रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई हीटिंग नहीं हो रही, मतलब टंगस्टन जो फिलामेंट साइड में लग रखे हैं वो हीट अप नहीं हो रहे। यहाँ पर हम लोग यूज़ करें हाई फ्रिक्वेंसी का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट के केस में हम लोग यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट को गर्म नहीं करते, हीट अप नहीं करते, और यहाँ पर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से हम लोग उस ब्लास्ट को ऑन कर देते हैं। जबकि जो दूसरी टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होती है जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इनिशियली हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब के जो साइड में लगे हुए टंगस्टन फिलामेंट है उसको गर्म करते हैं ताकि थोड़ा सा कंडक्शन इनिशियल मिल जाए, और उसके बाद बाकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर काम करेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सिमिलरली जैसे कि आपके मैग्नेटिक ब्लास्ट वर्क करते थे वैसे ही वर्क करते हैं, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, कंडक्शन पाथ मिल जाता है। वंस गेट कंडक्शन पाथ, बाद में नॉर्मली वो रिएक्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट हो मैग्नेटिक ब्लास्ट हो, दोनों का एक ही काम है, इनिशियली ट्यूबलाइट को स्टार्ट करना और उसके बाद ऐसे नेगेटिव जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था उसको यहाँ पर कम करना अपने आप एक पॉजिटिव रेजिस्टेंस ऑफर करके। तो ये है तरीका जिस तरीके से यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट ट्यूब ट्यूबलाइट वर्क करती है। दोस्तों यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो लीनियर ट्यूबलाइट होती हैं जो कि आपको घरों में दिखती पुरानी थी वो आपकी मोर एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। यहाँ पर आप माने ना माने बट आपकी जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होती वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो मैन्युफैक्चरर है वो आपको थोड़ा सा धोखा देते हैं। एक बार आप अच्छे से देखें ल्यूमेंस पर वाट इन बोथ ऑफ दिस केसेस तो आपको पता चल जाएगा जो यहाँ पर लंबी वाली हैं लीनियर फ्लोरोसेंट लैंप है, क्योंकि फिजिक्स या आपकी थ्योरी यही कहती है लीनियर केस में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी एज कम्पेयर टू आपकी राउंडेड गोल किस टाइप की आपने घुमा रखी है। तो एक बार पढ़ लीजिए देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोज़ गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज़ देख पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।